टिव डिमांड जब हम डिमेंड की बात करते हैं तो यूजली हम बात करते हैं डिमेंड ऑफ अ कमोडिटी फॉर इट्स करंट शूज बट इन रियल लाइफ में क्या होता है देयर इज अ डिमैंड फॉर दमोडिटी दैट रिलेट्स विद इट्स एंटीसिपेटेड दैट रिलेट्स विद इट्स फ्यूचर शूज एंड दिस फ्यूचर यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इन फैक्ट वेन एवर वी मेक डिस्कशन अबाउट द फ्यूचर यूज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी We have to make a comparison with the prices in the current time period and prices in future time period. When we talk about speculative demand, it is in fact demand for storage. Demand for storage for a particular commodity. In agricultural, for agricultural economies, this demand for storage has a significant importance. In the total demand फॉर द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज स्पेकुलेटिव डिमेंड डिमेंड है सिग्निफिकेंट पोर्शन जब हम किसी भी एग्रीकल्चरल मोडिटी की बात करते हैं तो यूजली क्या होता है कि हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड में प्राइसिस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आर रेलेटिवली लो एज कंपेयर टू इट्स प्राइसेज फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर क्या जी वीट के हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड में जब वीट को हार्वेस्ट किया जाता है तो इसकी प्राइसेज रेलेटिवली लो होती है एज कंपेयर टू प्राइसेज ऑफ वीट आफ्टर द हार्वेस्टिंग टाइम और उस टाइम पीरियड में क्या होता है जब जो आपके इन्वेंट्री होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं वो स्टोर कर लेते हैं इस वीट को विद द एक्सपेक्टेशन के इन दू इन द फ्यूचर प्राइसेस ऑफ दिस वीट विल इंक्रीज एंड दे विल अर्न सर सर्टन प्रॉफिट सो द मोटिव टू टू हैव अ स्पेकुलेटिव डिमांड इस प्रॉफिट अगर मैं इसी बात को डिस्कस करूं एक कंज्यूमर के परस्पेक्टिव में कि जी कंज्यूमर देयर इज अ अ स्पेकुलेटिव डिमांड बाय पर्टिकुलर कंज्यूमर कि हम बात करते हैं कि एक कंज्यूमर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गया जब वो उस डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता है तो उसे पता चलता है देयर इज सम स्पेशल प्रमोशन ऑन ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी कॉमोडिटी देयर इज अ रिडक्शन देयर देयर इज अ प्रमोशन बाय द डिपार्टमेंटल स्टोर इन द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज ट्वेंटी परसेंट लेस Then it's normal price. और साथ में उसके करेक्टरिस्टिकबल कमोडिटी हाँ जी इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं राइस की कंज्यूमर एक स्टोर में जाता है तो उसे पता चलता है कि राइस की जो प्राइस थी वो तो टू हंड्रेड रुपीज थी लेकिन स्टोर वालों ने एक स्पेशल प्रोमोशन दी हुई है बिकॉज ऑफ दैट स्पेशल प्रोमोशन अभी प्राइस ऑफ राइस क्या है सपोज मेरी एजम्प्शन है कि वो कहते हैं जी वन फिफ्टी रुपीज पर के जी तो एज अ कंज्यूमर इट क्रिएट अ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी वहां पे क्या होगा देयर इज अ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर राइस एंड दैट स्पेकुलेटिव डिमांड आल्सो इंक्लूड द डिमेंड फॉर राइस फॉर इट्स फ्यूचर यूज सो वेन एवर देयर इज अ स्पेशल लो प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इट क्रिएट्स अ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी और अगर हम जब भी आप स्पेकुलेटिव डिमांड की बात करोगे तो इस स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर कमोडिटी में मेजर रोल किस चीज का आता है कि जब भी प्राइस एक कमोडिटी की नॉर्मल प्राइस से कुछ कम या ज्यादा होगी देन देयर इज रिलेट्स विद इट्स एंटीस्पेक्टेड यूज एंड पॉसिबिलिटी ऑफ स्टोरेज की जब भी आप बात करते हो तो ये स्टोरेज यूजुअली लिंक करता है प्राइसेस फ्यूचर प्राइसेस विद क्या जी अगर एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में एक कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो कंज्यूमर क्या करेगा कंज्यूमर विल क्रिएट स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी और अगर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन कुछ ये है जी में, की सपोज मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है क्रॉप कुछ कम होगी तो वो भी क्या करेगा

कि जिस पोज हम एक्सपेक्ट स्पेकुलेटर एक्सपेक्ट करता है कि जी फ्यूचर में प्राइस इस पर्टिकुलर मॉडिटी की इंक्रीज हो जाएगी क्यों बिकॉज ऑफ सम चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन इट माइट बी पॉसिबल देयर इज डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉडिटी तो वो क्या करेगा ही विल जनरेट अ स्पेकुलेटिव डिमांड इन करंट टाइम पीरियड कई दफा कुछ ऐसा भी होता है अन इवेंट सा इवेंट हो गया किस फॉर्म में कि जी एक पर्टिकुलर एरिया में रेन्स कुछ ज्यादा हो गई बिकॉज ऑफ दैट मोर रेन इन दैट पर्टिकुलर रीजन इट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप इन दैट पर्टिकुलर एरिया मेरी हम यहाँ पे एग्जाम्पल किस चीज़ की ले लेते हैं सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं वेजिटेबल्स की कि एक पर्टिकुलर एरिया में बारिशें ज्यादा हुई उन बारिशों की वजह से क्या हो गया कि वेजिटेबल की जो क्रॉप थी वो आपकी तबाह होगी आप यूं कह लें जब वो डिस्ट्रॉय होगी क्रॉप ऑफ वेजिटेबल्स तो उसने क्या किया अगेन इट क्रिएट्स इट क्रिएट्स अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री और जब इस तरह के ड्रोन अन इवेंट इवेंट होते हैं तो बिकॉज ऑफ अक्रेंस ऑफ दोज इवेंट्स प्राइस एडजस्टमेंट क्या होती है वो यूजुअली बड़ी जल, जल्दी हो जाती है कि जी एक इवेंट अभी अकर हुआ तो इट माइट बी पॉसिबल कैन कमिंग डे में उस चीज की प्राइस इमीडिएटली इंक्रीज हो जाए और यह सब किस चीज को जनरेट करेंगे इट विल क्रिएट अ स्पेकुलेटिव डिमांड ये स्पेकुलेटिव डिमांड इज डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी बिकॉज ऑफ इट्स एंटिसिपेटेड यूज इन फ्यूचर टाइम पीरियड बिकॉज ऑफ इट्स एंटिसिपेटेड प्राइस इन फ्यूचर टाइम पीरियड कि अगर एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी स्पेकुलेटिव डिमांड इन करंट टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा फ्यूचर में अगर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस डिक्रीज हो तो कई दफा यह स्पेकुलेशन बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट भी करती हैं किस में ऑन द कंज्यूमर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी कि जब आप कंज्यूमर्स की बात करते हो तो बिकॉज ऑफ इट माइट बी पॉसिबल प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन करंट टाइम पीरियड जब वो करंट टाइम पीरियड में प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो जो आपके कंज्यूमर्स हैं जो रिलेटिवली लो इनकम ब्रैकेट से बिलोंग करते हैं इट विल इंपैक्ट इम्पेक्ट दंजम्पशन ऑफ लो इनकम ब्रैकेट पीपल के जी अगर हम बात करें कि बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशन इट माइट बी पॉसिबल देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ राइस और जब वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ राइस हो गई तो इमीजिएटली इंपैक्ट कहां पे आएगा इमिजिएट इंपैक्ट आएगा ऑन द द कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर्स इन दैट पर्टिकुलर मार्केट और दूमर क्या करेगा वो उन लोगों पर कुछ बुरा इंपैक्ट भी डालेगा उनकी कंजम्पशन कुछ कम हो जाएगी और जब उनकी कंजम्पशन कम होगी तो उनकी सेटिस्फेक्शन उनकी यूटिलिटी भी कुछ कम होगी कई दफा आप कह लें कि स्पेकुलेशन क्या होगा कि अगर करेक्टली एंटिसपेट किया जाए तो ये एक मॉडरेटिंग इफेक्ट भी डालते हैं प्राइसेज पे वो मॉडरेटिंग इफेक्ट कहाँ पे आएगा वो करंट प्राइसिस पे भी आएगा फ्यूचर प्राइसिस पे भी आएगा कि ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग टाइम जब आपके पास स्पेकुलेटर्स परचेज करेंगे बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशन और एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज इन प्राइसिस इन फ्यूचर टाइम पीरियड तो वो हार्वेस्टिंग टाइम में प्राइसिस को क्या करेगा वो हार्वेस्टिंग टाइम में उन प्राइसिस को कुछ इंक्रीज कर देगा और जब फ्यूचर में जो उस जो भी उसने एक्सपेक्ट किया था कि जी बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट ईयर में कोई आप कह लें क्रॉप येल्ड कुछ कम हो गई उसी राइस की तो जब उस राइस की येल्ड कम हुई नेक्स्ट टाइम पीरियड में तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि बिकॉज ऑफ द स्टोरेज दैट स्पेकुलेटर द प्रीवियस टाइम पीरियड विद द एक्सपेक्टेशन के जी फ्यूचर में प्राइसेस कुछ बेहतर होंगी तो वो वहां पे कुछ मॉडरेटिंग इफेक्ट डालेगा कि वो इन्वेंट्री में से कुछ राइस मार्केट में भेजेगा जब इन्वेंट्री में से राइस मार्केट में जाएगी सप्लाई बढ़ेगी और उस टाइम पीरियड में जब स्मॉल क्रॉप हुई थी आपकी तो वहां पे प्राइसेस कुछ कम इंक्रीज होंगी बिकॉज ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड इट माइट बी पॉसिबल देयर इज अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द प्राइसिस ऑफ कमोडिटीज इन दी मार्केट स्पेकुलेशन so, कभी तो आप कह लें मॉडरेट भी करेगा आपकी प्राइसिस को और कभी वो आपकी मार्केट में प्राइसिस को कुछ सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट भी करेगा और जो मेजर मोटिव होगा जब भी आप स्पेकुलेटर की बात करोगे उसका मेजर मोटिव सिर्फ प्रॉफिट होगा कि ही वांट टू गेट सर्टन बेनिफिट फ्रॉम दैट फ्रॉम द चेंज इन प्राइस इन टू टाइम पीरियड्स के जी हार्वेस्टिंग टाइम में प्राइस कम थी उसने परचेस किया और जब आपके पास लेटर ईयर में प्राइसेस इंक्रीज की उसने वो कमोडिटी सेल कर दी जब उसने वो सेल किया तो इस टाइम पीरियड में उसको उसे क्या मिला कि बाइस परचेसिंग अ कमोडिटी व्हेन प्राइस इज लो एंड सेलिंग द कमोडिटी व्हेन प्राइस इज हाई ही इज गेटिंग सर्टन प्रॉफिट लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉफिट होगा दैट प्रॉफिट शुड बी ग्रेटर देन स्टोरेज कॉस्ट कि जी एक्सपेक्टेड प्राइस माइनस करंट प्राइस शुड बी एट लीस्ट ग्रेटर देन स्टोरेज कॉस्ट इफ दिस सिचुएशन प्रिवेल्स तब आप क्या कहोगे स्पेकुलेटर इज गेटिंग प्रॉफिट और इसको आप क्या कहते हो दैट दैट इज कॉल्ड एज इंटर टेम्पोरल आर्बिट्रेज स्पेकुलेटर इज गेटिंग प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस बाय बाय सेलिंग कमोडिटी इन टू टाइम पीरियड्स एट डिफरेंट प्राइसेज यहां तक तो हमने हमेशा ये अभी यही बात की कि ऑलवेज गेट प्रॉफिट बट इन रियल लाइफ में क्या हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल स्पेकुलेटर बियर लॉसिज स्पेकुलेशन में कुछ आपके पास रिस्क भी इन्वॉल्व होंगे स्पेकुलेटर ने तो आप कह लें एज्यूम किया था या एक्सपेक्ट किया था कि प्राइसेस फ्यूचर में इंक्रीज होंगी लेकिन फ्यूचर में अगर प्राइसेस इंक्रीज नहीं होती या यूं कह लें कि स्पेकुलेटर ने एक्सपेक्ट किया था कि फ्यूचर में क्रॉप आपकी कुछ कम होगी लेकिन नेक्स्ट फ्यूचर में भी क्या हो गया क्रॉप नॉर्मल हो गई जब क्रॉप नॉर्मल हुई तो जो भी उसने अपनी इन्वेंट्री में होल्ड किया था ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू सेल दैट सेल डेट मॉडिटेट हायर प्राइस इन फ्यूचर टाइम पीरियड सो वेन एवर मेक डिस्कशन अबाउट स्पेकुलेशन वी हैव टू कीप इन माइंड कि वी हैव टू मेक अ डिफरेंसिएशन बिटवीन यूजफुल स्पेकुलेशन एंड एंटी कंपिटेटिव स्पेकुलेशन यूजफुल स्पेकुलेशन में क्या होगा कि इट विल हैव अ मोडरेटिंग इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज लेकिन जब आप इन और एंटी कंपिटेटिव बिहेवियर की बात करोगे तो वहां पे क्या होगा कि स्पेकुलेटर्स आर बेसिकली कंट्रोलिंग द क्वांटिटी सप्लाई इन दार्केट टू गेट अन इवन टू गेट अब नॉर्मल प्रॉफिट और जब कुछ इस तरह के इलीगल टाइप एक्टिविटीज करे स्पेकुलेटर्स तो वहां पे क्या होना चाहिए गवर्नमेंट को इंटरवीन भी करना चाहिए जी ये जो स्पेकुलेशन स्पेकुलेटर कर रहा है दैट इज नॉट डिजायरेबल फॉर पीपल लिविंग इन अ कंट्री तो वहां पे हाँ अगर वो स्पेकुलेशन हो रही है टू हैव अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द्वान्टिटी पर ऑन दिटी प्राइसेज इन दी मार्केट तो हाँ जी उसको प्रमोट भी करना चाहिए उसको आपको लीगलाइज कर देवन इज गेटिंग प्रॉफिट बाई स्टोरिंग दैट कमोडिटी फॉर दीरियड वेन देयर इज लेस ये फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है अंडर स्पेकुलेशन के बिकॉज ऑफ स्पेकुलेटिव डिमेंड करेंट प्राइसेस कैन चेंज बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या जी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन क्या है कि जी फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो इट हैव सम इंपैक्ट ऑन करंट प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज टू दिटीजी अगर मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ इस पैटर्न पे आ जाए कि प्राइस ऑफ राइस डबल हो जाएगी फ्यूचर में तो करंट प्राइसेस जो भी हैं राइस की उसको भी वो कुछ ना कुछ इंक्रीज करेगा